रिक्वेस्ट करेंगे कि घर के सामने ये मत कीजिए। आप लोगों से कुछ बोले, बोलने के लिए कुछ कहा गया था, आप लोग बोल भी कर लेते, हम लोगों से थोड़ा बात भी कर लेते, इस तरह थोड़ा मेरी बातों को सुने। आज बाहर से बॉलीवुड के जो भी आते हैं तो यहाँ आने के बाद अपना प्रमोशन के लिए आते हैं, अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं। हम जितने भी भाई बहन हैं, जो भी हैं, हम लोग भीड़ लगाते हैं उनको देखने के लिए। हम लोग अब उनको उतना तवज्जो ना दें और ना उनके किसी फिल्म को हम लोग यहाँ रिलीज होने दें। जो भाई जहाँ है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, वही खड़े होकर के उसका विरोध करे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ है वही उसका विरोध करे। हीरो हैं, सब अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, फिर हम क्यों किसी दूसरे को देखने के लिए जाए। क्योंकि बिहारी ने यह साबित किया है कि हर क्षेत्र में यहाँ के बेटे हमारे जो भी है भाई है, हर जगह जाके हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करके दिखाया है। उसी तरह हमारे भाई सुशांत ने भी वहाँ जाके किया, लेकिन लोगों में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हुआ वहाँ के फिल्मी जो नगर में, जो भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर है उन्हें डर हो गया कि अगर इस बिहारी को यहाँ से बायकॉट नहीं करेंगे, आने वाला समय में इतना सक्षम है बिहारी, इतना सर्वगुण संपन्न है, इतना मेरिट वाला है कि हम लोग का पैर उखाड़ देगा यहाँ से। और ये स्थापित हो गया तो आने वाला समय में बिहारी लोग यहाँ पर जम जाएंगे। तो उसको उस ढंग से साजिश के तहत इनको हटाया गया, जिसको बाद में हम लोग के मन में, हर हिंदुस्तानी के मन में, हर लोगों के मन में ये बैठाया गया कि वो डिप्रेशन में थे, वो किसी से मिलते नहीं थे, वो बहुत गम में थे। हम पूछते हैं किस चीज का गम था, कोई गम नहीं था। उन्होंने अपने करियर का वहाँ पर झंडा फहराया, बिहारियों का नहीं पूरे हिंदुस्तानियों का सर वहाँ पर ऊंचा किया, जो आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हमारा भाई वहाँ पर जाकर के फिल्म से लेकर सीरियल से लेकर हर चीज में अपने आप को दिखा दिया। तो आज हम कैसे कहेंगे कि वो गम में है, वो डिप्रेशन में है, ये कह के उनको जो साजिश किया गया, उनकी जो हत्या की गई, उसको दबाने का ये उच्चक्र किया जा रहा है, जिसको हम लोग सफल नहीं होने दे। कोई भी हीरो, कोई भी हीरोइन, कोई भी फिल्मी दुनिया से आते हैं, हम लोग वहाँ भीड़ ना लगाए जाके उसको तवज्जो नहीं दीजिए। और उसके हर फिल्म को, उनका जो दाल रोटी चलता है, उनकी जो आलिशान महल है, उनकी जो गाड़ियां है, वो आपके पैसों से चलता है। अगर आप फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में नहीं जाइएगा तो वो फ्लॉप कर जाएंगे, हिट नहीं करेंगे। तो उनका जो है औकात, उनको समझा दीजिए। कोई भी बिहारी, सुधा जी जी बताएंगे, कोई भी बिहारी ये अपना अपना अंग समझे। हम लोग सर्वगुण संपन्न है, हमारे भाई यहाँ एक एक क्षेत्र में परचम लग रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत तो जा करके अपना मस्तक ऊंचा किया, ये बिहार का ही नहीं भारत का शान था, भारत का हमारा भाई शान था, जिसको रास्ते से हटाया गया। आने वाला समय में एक एक बिहारी, एक एक हिंदुस्तानी इस दर्द को अपने दिल में बसा करके और रखे।